नमस्कार आदाब, मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं राधिका गुप्ता, जिन्होंने यूपीएससी में 18वीं रैंक हासिल की है। इनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने तैयारियां की और किस तरह से इन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी। स्वागत है राधिका जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सबसे पहले राधिका जी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं और किस जगह से आपने तैयारियां की। सर, मैं मेरा बचपन पूरा अलीराजपुर शहर में बीता है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, गुजरात बॉर्डर पे है, तो मैं लार्जली यहीं से हूँ और मेरा पूरा बचपन यहीं से निकला है, पढ़ाई वगैरह यहीं से हुई है। और सिविल सेवा की परीक्षा के लिए मैं इंदौर से मैंने रहकर तैयारी की है 2018 के बाद से, और मेरी पूरी तैयारी लार्जली इंदौर बेस्ड ही रही है। कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी उस टाइम पे, फिर एक साल करीब तैयारी करके 2019 में मैंने अटेम्प्ट लिखा था, फिर अभी 2020 में अटेम्प्ट लिखा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं निकाल पाई, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है जब आपने निकाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सर इंडियन रेलवेज मिला था और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में अभी 18th रैंक मिली है। किस तरह से आपने तैयारियां की, आप में कॉन्फिडेंस था कि आप दोबारा निकाल लेंगे? सर, एग्जाम थोड़ा डाइसी है और स्केप्टिकल भी है, तो एक कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम नर्वसनेस भी रहती है। तो पहली बार जब मेरा नहीं हुआ था और उस टाइम पे मुझे काफ़ी बुरा लगा था कि कुछ नंबर, 4 नंबर से मेरी लिस्ट में सो गए फाइनलिस्ट। तो मुझे ये पता था कि मुझे किस मार्क्स आया, तो मुझे समझ में आया कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उस सब्जेक्ट पे मैंने अगली बार बहुत ध्यान दिया, तो मुझे ये पता था कि बाकी सब्जेक्ट्स जो मैंने किए हैं उन पर मुझे और बिल्ड करना है, और एक वीकर एरिया जिसको और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन दो एरियाज को मैंने ध्यान दिया, जैसे ऑप्शनल मेरा पहली बार में बिगड़ा था, तो इस बार वो ऑप्शनल मेरा अच्छा गया था। कॉन्फिडेंस था कि रैंक आ जाएगी, पर हाँ, इतनी अच्छी रैंक तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही है। सर, एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉजिटिविटी तो थी कि हाँ, एक अच्छी रैंक आ सकती है और शायद टॉप 2 या टॉप 3 सर्विसेज मिल जाएगा, पर हाँ, ये चीज़ दिमाग में भी रखी हुई थी क्योंकि अल्टीमेट एम IAS था। तो एक ये चीज़ थी दिमाग में कि अगर नहीं होता है किसी भी कारण से तो फिर अगला प्रीलिम्स दे दिया जाएगा, तो एक वो एक सर्टेन एक रियलिस्टिक चीज़ में लेके चल रही थी अपने दिमाग में। तो जब रिजल्ट घोषित हुआ तो आपने अपना नाम सूची में देखा, तो उसके बाद क्या एक्साइटमेंट थी, किस तरह की खुशी महसूस हुई थी आपको? बहुत ही सरियल फीलिंग होती है, और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत देर तक तो समझ में भी नहीं आता है कि एक्चुअली हो गया है। तो आपको फिर भी लग रहा होता है कि अच्छा, फिर से पढ़ना है कल सुबह उठ के शायद, तो अभी भी मुझे शायद अभी भी सिंक इन नहीं हुई है वो चीज़। तो घर वाले काफ़ी खुश थे, तो मुझसे ज़्यादा आई थिंक उनकी खुशी थी। बहुत, इट वॉज अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग एंड अ वेरी रिलैक्स्ड फीलिंग कि चलो और नहीं पढ़ना है, फाइनली खत्म हो गया जो पढ़ने के लिए चीजें थी। अच्छा था, वो काफी अच्छा था। तो परिवार का कितना सहयोग आपको मिला इस चीजों में? परिवार का तो सर बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट की सक्सेस स्टोरी में एक बहुत बड़ा रोल उनके फैमिली मेंबर्स का होता है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट थी, छोटी जगह से आने के बाद भी मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मतलब मेरा अल्टीमेट एम कुछ और है या शादी है या कुछ भी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है मेरे ड्रीम्स में, मेरे गोल्स में। तो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली का बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। जी, तो अगर आपके परिवार की बात करें तो कौन कौन है आपके परिवार में, और आपके पिताजी क्या करते हैं, माता जी क्या करती हैं? मेरे परिवार में मेरे अलावा 3 लोग और हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरा बड़ा भाई है। तो मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, कि किराना की शॉप है और FMCG का बिजनेस है। मेरी मदर इज अ होम मेकर, और मेरे बड़े भैया भी बिजनेस में हैं फादर के साथ, और वो भी सिविल इंजीनियर है। तो लार्जली बिजनेस फैमिली से मैं आती हूँ सर। तो जब आप पहली दफा तैयारी कर रही थी तो उसके बाद आपका सिर्फ 4 या 5 मार्क्स से आप रह गए, तो आपने कुछ तो आकलन किया होगा कि यहाँ पे मेरी कमजोरी रही है, इस चीज पे फोकस करूंगी तो मैं निकाल लूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब मार्क्स आए फाइनल रिजल्ट के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे एंथ्रोपोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें एक पेपर में बहुत कम नंबर थे, बिलो एवरेज मार्क्स थे। वो लार्जली 30-40 नंबर का डिफरेंस मेरा उसी एक पेपर में ही आ रहा था बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में। तो नेक्स्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने उस सब्जेक्ट पे बहुत फोकस किया, उसको मैंने बहुत अपनी स्ट्रेंथ बनाया। इस बार जब मैं पेपर 1 देके निकली तो मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा गया है।
एटलीस्ट ये था कि हम जो एरिया मेरा वीक एरिया था मैंने उसको जरूर कवर कर लिया था। थोड़ा आपको एक्सटेंसिव होके पढ़ना पड़ता है जो भी आपके वीकर एरियाज होते हैं उसको। तो हर बच्चे की अपनी एक वीकनेस होती है, किसी के लिए शायद कोई जीएस का सब्जेक्ट वीकनेस होगा, किसी के लिए शायद ऐसे वीकनेस एथिक्स वीकनेस होगा। तो आप फिगर आउट करिए कि कौन सा एरिया जो आप मेहनत करना चाहते हैं और उसको बहुत स्ट्रांग बनाइए अपना। ये मैंने अप्रोच इस बार रखी थी। शुरू से आपका एम आईएएस ही क्रैक करना था या फिर आपने किसी क्षेत्र में काम करते हुए तब आईएएस की तरफ रुख किया? बचपन से तो देखिए आईएएस ड्रीम नहीं था, क्योंकि अगर मैं एकदम सच बोलूं तो मुझे पता भी नहीं था इस जॉब के बारे में बहुत लंबे समय तक। तो जब अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी तब मुझे ये पता चला कि ऐसा कोई एग्जाम होता है, बट उस तक मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ऐसा कोई रुझान नहीं था। तो फिर उसके बाद जब मैं अपनी जॉब के लिए होंडा कार्स इंडिया में गई थी ग्रेटर नोएडा में, तो जब मैं दिल्ली गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो फिर जब मैंने उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा पता किया तो मैं उससे बहुत रिलेट कर पाई, क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ पे मैं एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन ये सब चीज़ें देख रही थी अपने आसपास होते हुए। और उसी टाइम पे इंदौर के कलेक्टर थे मिस्टर पी नरहरी सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। भारत मिशन में इंदौर 4 बार फर्स्ट आया था, उन्होंने शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो मैंने उनके काम के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इस फील्ड में जब आप रहते हैं तो आप बहुत डायरेक्ट ग्राउंड इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो कि इस एरिया को बहुत सालों के लिए बदलने की क्षमता रखता है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वहाँ से वो चेंजिंग पॉइंट था मेरे करियर का। तो फिर मैंने रिजाइन किया होंडा से और फिर आई केम बैक टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। किसे मानती हैं कि उनसे इंस्पायर होकर आपने इस फील्ड को चुना, कोई प्रेरणा स्रोत है आपका? जी, तो जैसे मैं भी आपको मिस्टर पी नरहरी सर की कहानी सुना रही थी, वो ही हैड बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी। उनका ग्वालियर में जो काम रहा है, जो इंदौर में काम रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था। और उसके अलावा कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में मैं पढ़ती रहती थी जो मिजोरम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था। और उससे बड़ा प्रेरणा स्रोत मेरे लिए मेरी दादी थी, क्योंकि दादी बहुत कम पढ़ी लिखी थी लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में निकाला है। वो जहाँ भी मौका मिलता था वो किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती थी। तो वहाँ से एक मोटिवेशन तो था कि सोसाइटी को देना, समाज को कुछ वापस देना है जो भी आपने लिया है। तो वहाँ से चीजें बिल्ड हुई और फिर यूपीएससी एक रास्ता बन गया उस चीज तक पहुँचने के लिए। तो मतलब ओवरऑल दादी से प्रेरणा लेते हुए आपने काम किया। तो जिस तरह से लोग कहते हैं कि एक बार तैयारी करने के लिए आपको बिल्कुल रिजर्व हो जाना होता है, किसी से कोई मतलब ताल्लुक नहीं रखना, मतलब सोशल लाइफ से बायकॉट करने के बाद आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, आपने किस तरह से तैयारियां की? बहुत हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि आज की तारीख में जो सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो ये बहुत अच्छे सूत्र है लोगों से जुड़ने का और चीज़ों को जानने का। बट एट द सेम टाइम जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी बहुत बड़ा समय चला जाता है इसके अंदर। घंटे दो घंटे कब निकल जाते हैं नहीं चलता, तो एक जाल है एक तरीके का। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे मेरे भाई ने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि इन सब सोशल मीडिया से आप 2 साल के लिए दूर हट जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 साल बाद भी आएंगे तो ये वहीं रहेंगी। तो 2 साल तक फिर मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स से दूर थी। मैंने सिर्फ यूट्यूब का उस टाइम पे यूज़ किया था अच्छे एजुकेशनल वीडियोस वगैरह के लिए और कुछ चैनल्स और वेबसाइट्स का यूज़ किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोशल मीडिया जो चैनल जो थी ऐप्स थी उनसे मैं काफ़ी दूर थी। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? आपके मतलब कह लें कि स्टडी आवर्स क्या होता था? ऐसे जनरली लोग कहते हैं कि बस खाओ पढ़ो। कितना घंटा आपको इस्तेमाल करती थी या वक्त देती थी अपनी पढ़ाई को? ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हर बच्चा जो नया इस फील्ड में आता है उसको सबसे पहले यही बोल के डराया जाता है कि तुम्हें 18 घंटे 22 घंटे 20 घंटे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है पढ़ाई के अलावा। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि आप एक ह्यूमन बीइंग, आप एक रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है। आप 8 से 10 घंटे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, वो बहुत है, मोर देन सफिशेंट है, प्रोवाइडेड आप उस 10 घंटे में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप इमोशनली मेंटली फिजिकली वही प्रेजेंट है जो आप कर रहे हैं, जब आपका दिमाग पूरा एक्टिव। अगर आप उस एक्टिव दिमाग के साथ 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटे, वो बहुत अच्छा समय है। उससे ज़्यादा कर भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग आपका। और बाकी के जो समय है उसमें आप एक अच्छी नींद लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। और उसके अलावा फिर आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बिल्ड होता है इस प्रोसेस में, बहुत लंबी मैराथन है एक तरीके से। तो 2-3 साल आपको हर रोज़ एक ही शेड्यूल फॉलो करना है, वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मैं ये करती थी कि मैं कई बार मूवीज़ देख लेती थी, या मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं खेलने चले जाती थी शाम में।
तो आप जो भी चीज़ आपके एक इंटरेस्ट का एरिया है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, स्केटिंग है, स्पोर्ट्स है, आप उसमें अपना टाइम डिवोट करिए 1-2 घंटे, और बाकी टाइम आप ईमानदारी से 10 घंटे पढ़िए, वो बहुत बहुत सफिशिएंट टाइम होता है इस तैयारी करने के लिए। यूपीएससी की तैयारी बहुत ही मतलब एक टफ जॉब में से एक माना जाता है, तो इसमें आप क्या मानती हैं कि क्या क्या चीजें चुनौतियां हो सकती हैं इसकी तैयारियों में, या आपने कौन सी चुनौतियां फेस की? सर, लार्जली जो चुनौतियां मुझे फील होती है स्कूली प्रेपरेशन में, उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है और नहीं क्या पढ़ना है, छोड़ना क्या है। तो एक ये जो गाइडेंस अभी, क्योंकि मार्केट में जरूरत से ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये फिगर आउट करना है कि आपके लिए कितना बेयर मिनिमम नेसेसरी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई बार वो एक चैलेंज मुझे फील होता था, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कुछ लोगों से बात करके कि ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, इसका इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि एक बच्चों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। जो रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, उन्हें लगता है कि वो अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो वो डिप्राइव हो जाएंगे, उन्हें नहीं मिल पाएगी वो फैसिलिटीज जो बाकी बच्चों को मिल रही है। एक ये भी चैलेंज होता है कि आप जिस जगह पे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो कोई भी एरिया हो सकता है, वहाँ से रह के आपको ये सब एक्सेस करके तैयारी करनी है और अपना मेंटल स्टेट ऐसा रखना है कि आप 2 साल सेम खुशी के साथ पढ़ाई करवा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स पैरेलल चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आप फिजिकली मेंटली कितना हैप्पी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो तैयारियों के दौरान आप प्रोफेशनली और पर्सनली, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज कर पाती थी? सर, मेरे लिए मेरी हॉबीज बहुत बड़ा जरिया रहा है इन दोनों को बैलेंस करने का। हॉबीज एक तरीका है स्ट्रेस बस्ट करने का, तो जब भी आपको स्ट्रेस होता है आप जाके अपनी हॉबी परस्यू करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका सारा जो भी टेंशन है वो रिलीज हो जाता है। तो मेरे लिए हॉबी रहती थी बैलेंस करने का जरिया, और हमेशा एक चीज मैं ध्यान रखती थी कि ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। कई बार हम लोग उसको एक लाइफ एंड डेथ का मैटर बना लेते हैं, हमें लगता है कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बट मेरे एक टीचर थे, कहते थे कि एग्जाम शुरुआत है, जिस दिन आप एक ऑफिसर बनते हैं वहां से आपकी लाइफ शुरू होती है, खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये तो बस एक मीन्स है ना, आपके एंड तो कुछ और ही है। तो हमेशा मेरे दिमाग में थी कि जैसे मेरे बाकी एग्जाम्स रहे आज तक, कॉलेज का एग्जाम रहा है या मेरे सेमेस्टर एग्जाम रहे या मेरे स्कूल के एग्जाम रहे हैं, मैं ये मान के चलती थी कि ये भी वैसा ही एग्जाम है, बस पढ़ना थोड़ा ज्यादा है, समय थोड़ा ज्यादा है, पर ये भी उतना ही कॉमन सेंस का और उतना ही आसान एग्जाम है। उस तरीके से मुझे कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता था इस एग्जाम को लेकर के, तो मेरी लाइफ थोड़ी सिंपल रही है उस मामले में। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगी, इसका कुछ आपने सोचा है कि आगे क्या करना है? सर, आगे के लिए तो अभी मैंने जितना सोचा है उसमें ये है कि हमारी एक ट्रेनिंग होती है, मस्तूरी से स्टार्ट होती है, तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमें हमारा काम सिखाएगा कि हमारा क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या हमारे लिए हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा तरीका जो मैंने ये सोचा है कि अब मैं कॉन्स्टेंटली उन स्किल्स पे काम करूँगी जो मैं अभी तक कर नहीं पाई हूँ। तो रीडिंग इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। इसके अलावा नई लैंग्वेजेस सीखना, ताकि जिस भी जगह आप पोस्टेड हो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा आप समझ सके, वहाँ का कल्चर आप समझ सके। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोची है कि मैं अपनी स्किल्स इनहांस करूँगी। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑफिस हो गया, जो भी आप प्रोफेशनल टूल्स यूज करते हैं, तो ये स्किल्स इनहांस करूँगी ताकि मैं बेटर डिलीवर कर पाऊँ जहाँ भी मैं पोस्टिंग मिले। एक ओहदे पर बैठने के बाद आप जो है किस क्षेत्रों पर काम करना चाहेंगी, मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि मुझे ये चीज़ों को पहले करना है, इसे बाद में करना है, मतलब एक चार्ट टेबल आपका क्या होगा? जी, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो मेरे बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये वो एरियाज है जहाँ बहुत काम करने की गुंजाइश अभी भी है। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी वुमेन आज भी एम्पावर्ड नहीं है। बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम उनके लिए कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक सबसे पहली चीज़ है जो मेरे दिमाग में है, और बच्चों का एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन फाउंडेशन होता है। अगर आपका एजुकेशन अच्छा है तो अपने रास्ते आप खुद बना लेते हैं भविष्य में जाके। एजुकेशन एक दूसरा एरिया जहाँ पर मैं बहुत काम करने की इच्छा रखती हूँ। तीसरी चीज़ है कि सर, आपने भी फील किया होगा एज अ सिटीजन की पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो कई बार हमें लगता है कि बहुत स्मूथ नहीं है, हमें प्रॉब्लम होती है एक्सेस करने में, गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम कैसे उसको ईज आउट कर सकते हैं ताकि एक कॉमन सिटीजन को समस्या ना हो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी हो पाए, इम्प्रूव हो पाए, वो एक तीसरी चीज़ है जो मेरे दिमाग में है। क्योंकि आप एक महिला हैं, तो महिला के लिए आप अलग क्या करेंगे?
कुछ प्लान होगा जो आज तक जो चलते आ रहा है उससे हट के आपका क्या प्लान है कि क्या करना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए जैसा जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि हम हमारी महिलाओं को बहुत तरीकों से एम्पावर कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत से अगर हम उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें हम अवेयरनेस दें कि आपकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, आपके न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी है, आपके एजुकेशन के लिए क्या ज़रूरी है। आज के ज़माने में बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है जो आप परस्यू कर सकते हैं, और हमें पता ही नहीं होता। जब मैं 12th क्लास में थी मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा कुछ पता ही नहीं था कि और भी स्ट्रीम्स होती है। तो अगर हम अपने बच्चों को, हमारी यंगर जनरेशन को ये बता पाएं कि ये सारी फील्ड्स भी अवेलेबल है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। और महिलाओं के लिए हम ये कर सकते हैं सर कि हम एक उनको सेफ एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो अपने ड्रीम्स परस्यू कर पाएं बिना किसी फियर के। क्राइम्स को हम कैसे कम कर सकते हैं विमेन के अगेंस्ट, एक हम ऐसी सोसाइटी कैसे बना सकते हैं जहाँ पे एक लड़की को उतना ही एजुकेशन मिल रहा है, उसी लेवल से अटेंशन मिल रहा है जैसे एक मेल चाइल्ड को मिलता है। तो उस टाइप की एक इनेबलिंग सोसाइटी बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कैसे इनोवेटिव कैंपेन्स ला सकते हैं, वो मेरा एक इंटरेस्ट एरिया रहेगा। और आपको क्या लगता है कि समाज में और क्या सुधार की जरूरत है? सर समाज में वैसे तो हम बहुत आगे बढ़े हैं, पिछले 70-80 साल में या 100 साल में हम देखेंगे तो बहुत अच्छे बदलाव आए हैं, समाज ओपन हुआ है, एक्सेप्टिंग हुआ है। बट आज भी आप देखिएगा कि जो हमारी महिलाएं हैं वो उतना सेफ महसूस नहीं करती है। आज भी हमारी महिलाएं जो लेबर फोर्स में कम है, जहाँ पे उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए, आज भी एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि गरीब है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इक्विटेबल सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं आगे जाने में, ताकि जहाँ हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी हो, हर इंसान नरिश कर पाए, उसे मौका मिले जो वो करना चाहता है, वो कुछ भी हो सकता है सर, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो सिविल सेवा हो सकती है, वो इंजीनियरिंग हो सकती है, पर उस बच्चे को वो मौका मिलना, वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उसे वो मौका मिले, वो समाज में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। तो जो एस्पिरेंट तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरा एक बहुत सिंपल सा मैसेज है जो मैंने खुद को भी दिया था 2 साल पहले, कि मैं इस एग्जाम को हमेशा एक एग्जाम की तरह लेती थी, अभी भी उसको एग्जाम से ज्यादा मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, शायद इसीलिए मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ बहुत ज्यादा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि UPSC एक कॉमन सेंस का एग्जाम है, आप अपने आसपास ऑब्जर्व करिए, जो भी चीज़ें हो रही है, इकोनॉमी है, आपकी पॉलिटी है, आपका हिस्ट्री है, हर चीज़, हर घटना आपके आसपास घट रही है, तो जितना कॉमन सेंस आप सोचेंगे उतनी ही चीज़ें आपको आसान लगेगी और उतनी ही चीज़ें आपको डुएबल लगेगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, और अगर मैं इतनी छोटी जगह से निकल के कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान उसको नहीं कर पाएगा। बहुत ईजी एग्ज़ाम है, प्रोवाइडेड आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप भी कर सकते हैं, अगर कोई और कर सकता है तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो एक सेल्फ बिलीफ जो है वो मेरा एक बहुत बड़ा लेसन रहा है अपने लिए, तो वही मैं आगे भी देना चाहूँगी कि अपने ऊपर डाउट नहीं करिए, अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ राधिका गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारियां की और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।